हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही हेल्दी एग पालक करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एग करी आपने हमेशा बनाई होगी, लेकिन पालक के साथ इसका फ्यूज़न आपको बहुत टेस्ट देगा। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पालक एग करी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंच पालक लिया है और इसे मैंने वॉश करके रख लिया है। आपको जितनी नीड है, आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पालक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे कढ़ाई ले लूँगी, उसी में मैंने पालक को थोड़ा सा रफली कट करके इस तरह से इसमें ऐड कर लिया है। और इसमें मुझे पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसको आप कवर करके लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक कर लूँगी। जो पालक का मॉइस्चर है उसी में ये जो है कुक हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको कम से कम 5 मिनट्स के लिए रखा था लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, अच्छे से ये कुक हो गया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। अब इसका हम थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने के बाद इसका मिक्सर में इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और फिर से मैंने कढ़ाई रख ली है और उसी में मैंने 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। और गर्म होके जैसे ऑयल गर्म हुआ, मैंने उसमें जो है चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक जो है इसको इस तरह से स्टर करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा ये ब्राउन हो चुका है। तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है जिंजर और गार्लिक पेस्ट। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से थोड़ा सा ऑयल रिलीज नहीं होने लगता या फिर ये थोड़ा सा कुक नहीं हो जाता, ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है वो थोड़ा इसमें चली जाए। तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक हम भूनेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है। यहाँ और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें ड्राई हो जाएं या भुन जाएं। और साथ ही मैं ऐड कर लिया है 2 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर और 2 ग्रीन चिली और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब इसे हम लीड के साथ कम से कम 5 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसमें से ऑयल रिलीज होने लगे। तो ये देखिए, अब ये परफेक्टली कुक हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है और साथ ही मैं जो पेस्ट बनाया हुआ था पालक का उसको ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो हमने एग बॉईल करके रखे थे और उन्हें फ्राई कर लिया था, वो इसमें ऐड कर लिए हैं। और इसको कवर करके कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। तो ये देखिए, बनके रेडी है हेल्दी और टेस्टी एग पालक करी। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।